I got encouragement aur usi mein bhi main I got enrolled in 2010 I joined Qarshi auraton ke liye jo kuch karo to usme auratein khud hi shamil nahi hoti hain kya ye baat sach hai aap isse ittefaq karti hain ye human nature hai kyunki humans hain aap males hi hain wo bhi unke liye bhi wo bhi nahi kar rahe lekin jo committed hoti hain wo hoti hain hum log unhi patterns pe auraton ko kaam karta hua dekhna chahte hain jin patterns pe males karte hain main ye chahti hu ki hame apni females ko at least itna encourage karna chahiye कि वो आगे आए लीड करें और उनके लिए स्पेशल कोटा भी होना चाहिए कि ये डेफिनेटली तीन मेंबर्स होंगी होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विमेन इन लॉ के एक और एपिसोड के साथ, एक नए सीजन के साथ वाइज़ा रफीक और मैं निदा उस्मान चौधरी हाजिर हैं आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने इस एपिसोड में जिनके साथ बैठे हैं, जिनको हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, वो एक बहुत ही कमिटेड, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल खातून हैं। क़र्शी के साथ वो 11 साल से एसोसिएटेड हैं। बड़ी इंस्पायरिंग इनकी जर्नी है, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, हम उन्हीं से सुनेंगे। हम वेलकम करते हैं मिस ताहिरा को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वेलकम टू द शो मिस ताहिरा, इट्स एन ऑनर टू हैव यू एंड अ प्लेजर टू हैव मी टू बी इनवाइटेड बाय यू। सो आप अपनी जर्नी का थोड़ा समय बताइए। देखिए, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की लॉ में 1995 में, एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड सर नईम बुखारी एज ए माई मेंटोर, एंड ही अंडर हिज गाइडेंस मैंने जितना भी सीखा है, जो भी आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ उन्हीं की वजह से है। उन्होंने मुझे ना सिर्फ प्रोफेशनली, मेंटली, पर्सनली जितना भी उन्होंने मुझे मेरी ग्रो कर सकते थे, मुझे पॉलिश किया, मुझे मेरी हर तरह से हेल्प की, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको ऑन करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा नरिश किया। आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नया, मतलब कल ही मैं एक जगह फेसबुक पे पोस्ट देख रही थी किसी का कि फर्स्ट जॉब के लिए डोंट सिलेक्ट योर फर्स्ट जॉब, सिलेक्ट योर फर्स्ट बॉस। एब्सोल्युटली, तो बड़ा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है क्योंकि जो भी आपकी आपको आपके मेंटर होते हैं, जो आपको ग्रो करते हैं, जो आपको ट्रेन करते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट आप में भी जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, और आपकी अंदर वही क्वालिटीज़ और वही एबिलिटीज़ जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके उस्ताद कौन रहे हैं, आप किस कंपनी में रहे हैं, आपकी आपके दोस्त कौन रहे हैं, और आपकी आप किन के अंडर गाइडेंस रही हैं। बिल्कुल, एंड खासतौर पर इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा है अक्सर कि आपकी मोल्डिंग पर्सनालिटी होती है, डिस्करेजमेंट भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे होती है ना, और अगर आप उसमें वो डिसअपॉइंटमेंट को आप लेके बैठ जाएं तो फिर तो शुरू से ही आप एक वो नेगेटिव एनर्जी के साथ होते हैं, और आप अपने आप को, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप आउटपुट नहीं देते, और ये आउटकम तब आती है जब आपको एक प्रॉपर जो है वो गाइडेंस मिलती है और एनकरेजमेंट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि यू कैन डू, यू कैन डू, यू हैव समथिंग, ठीक है ना, आपकी एबिलिटीज, अदरवाइज आपके अंदर वो अगर आप एबिलिटीज हो भी तो वो जो है वो दब जाते हैं कहीं ना कहीं, आप उनको निखार नहीं पाते। सही बात है, ऐसे ही है बिल्कुल। मैं जब एक और मैं रिसर्च देख रही थी तो उस एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि हम जिन लोगों के सराउंडिंग्स में रहते हैं, जो लोग हमारे आसपास होते हैं, वो एनर्जीज रेडिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम पॉजिटिव इंस्पिरेशनल लोगों में हैं तो जाहिर है फिर हमारे अंदर तो वो हमारे अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, और वो आपको एनकरेज करती हैं, और आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होती है वही एनर्जी। एक चीज मैंने आपसे पूछनी है कि आपका, जब मैं देख रही थी आपका करियर प्रोफाइल और वो सब, तो बड़ी एक अमेजिंग चीज़ मैंने देखी कि आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आपने अपनी शादी के बाद कंप्लीट की, और उसके बाद आपका जो पूरा वकालत का करियर है वो शादी के बाद शुरू हुआ, हालांकि नॉर्मली ये होता है कि आप उससे पहले काफ़ी काम कर चुके होते हैं, ये कैसे हुआ इसके बारे में हमें बताएं। बस ऐसा है कि आई वॉज इन माई फाइनल ईयर, सो व्हेन आई गॉट मैरिड, तो उसमें और लेकिन मैं बहुत कमिटेड थी, मैंने कहा कि नहीं मुझे अपनी ग्रेजुएशन लाजमी करनी, मैंने डिग्री ली, उसके बाद मैं जो है वो करियर ग्रोथ होता है, और मेरे क्योंकि थोड़ी ही अंदर थी मेरे अंदर कि मुझे अपनी इस करियर में ग्रोथ लेना है या काम करना है या कुछ करके दिखाना है कोई ना कोई, जैसे ही मुझे मौका मिला, सो आई गॉट इन चांस इन आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ माई मैरिज। माशाल्लाह, और आप एनरोल्ड भी एज अ लॉयर 15 इयर्स बाद हुई। यस,
इसलिए कि अक्सर ये होता है कि शादी को समझा जाता है कि अच्छा आप शादी है उसमें अगर आप ब्रेक ले भी रहे हैं फॉर योर फैमिली लाइफ एंड ऑल बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते उसके बाद जो कमबैक होता है वापस प्रोफेशन में आना वो अक्सर लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाता लेकिन आपने इस चीज को करके दिखाया है तो इस पे लाइक क्या डिटर्मिनेशन थी वो पीछे और किस तरीके से आप बेसिकली मेरा तो था कुछ अंदर जो था वो था तो स्टार्ट से ही और लेकिन आई गॉट बैक इन माय प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज ऑफ माय अगेन मेंटर सर नेम बुखारी आई मेट हिम एक्सीडेंटली एंड ही एनकरेज मी सेड के यू शुड स्टार्ट योर कैरियर अगेन सो आई गॉट एनकरेजमेंट और उसी में भी मैं आई गॉट एनरोल्ड इन 2010 आई जॉइन कर्शी ओह दैट्स वंडरफुल वो एक पुश ही चाहिए होती ना एक्जेक्टली जो विमेन घर में या वो एक तरह से डिस्टेंस आ गया प्रोफेशन से जरा गैप ले रही तो उसमें फिर वो यू जस्ट नीड दैट वन वॉइस जो आपको वो करे एंड यू नो समटाइम्स वो वॉइस आपके अंदर खुद ही होती है बट समटाइम्स स्पेसिफिकली आई थिंक विमेन नीड दैट वन पुश पुश फ्रॉम फॉर्चुनेटली आई गॉट दैट I am so happy to see that because usse dekhe like matlab you have such a good shining example in you then and Naeem Bukhari sahab ko hum bhi thank you karte hain bilkul bilkul main to definitely ye kahungi ki we have unke aur unke ilawa aur us tarah ke bahut se male lawyers aise hain jo hame support karte hain ya wo ek push ya ek movement jo hame chahiye hota hai wo dete hain jiski wajah se phir Woman has like, all the world to come कुछ challenges तो जरूर रहे होंगे वापस आने में मतलब और वो कैसे overcome किया आपने with the confidence has been given by my mentor sir Naeem Bukhari he encouraged me so much that you can do you have that abilities I know you are that kind of person के जो के दोबारा से सब कुछ कर सकते हो और I just get first step और उसके बाद फिर मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा मैं जैसे जैसे बढ़ती गई की लर्निंग हुई थी हाँ बिल्कुल इन द बिगनिंग तो इतनी नहीं थी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो भी साथ जो है वो उनकी सपोर्ट मुझे मिलती गई मेरी फैमिली की मेरे बच्चों की उन्होंने मुझे बहुत इनक्रेज किया मुझे बहुत उन्होंने स्पेस दी उन्होंने कहा कि नहीं यू शुड डू और मैं इसी तरह कैरी ऑन करती गई और आज मैं माशाल्लाह इसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ डिटरमिनेशन हो तो वो कुछ भी कर सकता है किसी भी स्टेज पे इवन एज डजंट मैटर नथिंग मैटर्स आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट द ओनली मैटर्स इज योर डिटरमिनेशन योर विलिंग इफ यू आर विलिंग टू डू So you can do. Determination पे तो जैसे वाइजा ने पहले भी कहा हम आपको जरूर सलाम करते हैं क्योंकि आप हमारी कैसी कमिटेड मेंबर हैं मतलब वी फील रियली ऑनर्ड कि हमारा कोई सेशन होता है कोई इवेंट होता है सबसे पहले हम जब आपको देखते हैं वहाँ मौजूद हमें भी एक हौसला होता And very punctual also. Yes. Committed और वो होने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात है कि जो हम टाइम कहें या जो एक अनाउंस टाइम हो उसी पे फॉर यानी वो ये चीज ये शो करती है कि आप कितने कमिटेड हैं उस कॉज के साथ या कितना आप फील करते हैं उसके लेकिन क्या आपको लगता है कि लाइक जनरली ये रवैया बाकियों में मतलब है इन टर्म्स ऑफ यू नो इनिशिएटिव्स जो फीमेल्स के लिए लिए जाते हैं अक्सर मैंने ये सुना है लोगों से कहते हुए बड़े बड़े सीनियर लोगों से कहते हुए कि जी औरतों के लिए जो कुछ करो तो उसमें औरतें खुद ही शामिल नहीं होती हैं क्या ये बात सच है आप इससे इत्तेफाक करती हैं समहाउ कहीं ना कहीं ये है लेकिन जैसे कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती तो सबके लिए ये एक ये कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है कि जो सब पे अप्लाई हो जाए ठीक है जैसे कि ये सिर्फ फीमेल्स के ही नहीं आप कह सकते हैं ये ह्यूमन नेचर है ठीक है ह्यूमन्स हैं आप मेल्स भी हैं वो भी उनके लिए भी अगर वो भी नहीं कर लेकिन जो कमिटेड होती हैं वो होती हैं बस वो औरतें नजर लोगों को ज्यादा उस लेकिन ये है कि उस तरह से वो उनको फील होता है कि जी फीमेल्स जो हैं वो नहीं करती या उनके लिए कुछ किया भी जाए तो वो नीचे नहीं वो करती हैं उसको वैल्यू भी करती हैं समहाउ करती हैं और वो अपनी बेस्ट एफर्ट करती हैं कि उसके लिए वो जितना अपना टाइम जो है वो स्पेयर करता है निकाले और उसमें इनिशिएटिव लें उसमें पार्टिसिपेट करें सब कुछ बात है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बीइंग अ मदर बीइंग अ प्रोफेशनल आप ये बात अंडरस्टैंड करती हैं रोल होते हैं फीमेल्स के भी हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज भी तो है ना इट्स नॉट जस्ट कि हमारे पास सिर्फ एक हम फोकस्ड रोल है लेकिन समहाउ फीमेल्स की जो अगर एक कहीं पे कम नजर आ रही है या उस तरह से तो वो हाईलाइट ज्यादा हो जाती है लोग उसका इशू
इश्यू ज्यादा शायद लगा लेते हैं क्योंकि लेकिन मेरा ख्याल है एकदम से चला जाता है थोड़ा रोल भी जो है ये कमिटमेंट जो है ये भी बहुत बड़ी बात है ठीक है ना कि वो अपने इतने मल्टीपल रोल जो है वो प्ले मल्टी टास्किंग होती है और उसमें भी वो उसमें स्पेस अपना निकालती हैं अपना टाइम निकालती हैं और उसमें भी अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी करती हैं क्योंकि उनकी एक जगह कमिटमेंट तो नहीं होती हर जगह उसने अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी करनी है तो वो उसको मैनेज करती हैं टाइम मैनेजमेंट जो है वो मेरा ख्याल है कि एक फीमेल से ज़्यादा कोई नहीं करता आई थिंक निदा ये जो पर्सपेक्टिव की आप बात करिए ना इसकी मुझे लगता है एक बड़ी रीज़न ये भी है कि हम लोग उन्हीं पैटर्न्स पे औरतों को काम करता हुआ देखना चाहते हैं जिन पैटर्न्स पे मेल्स करते हैं और मेल्स के पास वो कन्वेंशनल रोल्स नहीं हैं जो फीमेल्स के पास अभी भी अटैच्ड हैं और साथ में जो अब हमने अपने जो मॉडर्न रोल्स हैं जिनको अब हमने अडॉप्ट किया है या जो हम चल रहे हैं उनको लेके तो आई थिंक वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमें ये मार्जिन देना चाहिए आई कम्प्लीटली अग्री जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पहले भी कि आपका भी शौक था कि आप लिटिगेशन में जाएं और प्रैक्टिस करें लेकिन ऑब्वियसली दैट यू डिडंट हैव द टाइम और यू नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट तो आपको लगता है कि इन हाउस वाज समथिंग जो आपके वही सोशल जो आपकी कमिटमेंट्स थी और फैमिली की तरफ जो कमिटमेंट्स थी उसके साथ दिस वाज sort of a compromise as well कि आपने इन हाउस को चूज किया या अभी भी आपको मौका मिले तो आप लिटिगेशन नहीं मुझे अभी भी मौका मिले तो आई विल डेफिनेटली डू यानी यू हैव दिस इन योर आई हैव दिस इंस्टिंक्ट इन माय सेल्फ तो मैं ये समझती हूँ कि अभी भी मेरे अंदर जो है वो तृष्णगी जो है जिसे आप कहते हैं वो बाकी है और मुझे जब भी क्या रिफॉर्म्स आप देखना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि आपकी जैसी पोजीशन में अगर कोई हो तो उसके लिए प्रोफेशन की तरफ से ऐसा क्या सपोर्ट होना चाहिए उसमें जो है ना वो जैसे कि मैं आई वुड लव टू ज्वाइन जुडिशरी या मैं लिटिगेशन में जाना चाहती थी या जो अपॉर्चुनिटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है या फॉर योर पर्सनल कमिटमेंट्स आपकी अगर एज बार्ड हो गई है या कुछ हो गया तो आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल जाती ठीक है ना आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं समझा जाता आपको कैपेबल नहीं समझा जाता हमारे यहाँ पे जो है वो उस तरह की मैकेनिज्म नहीं है कि आपको कह रही कि जी नहीं अगर ये एक हाउस वाइफ रही है या इनके एक्सपीरियंस में नहीं है कि ये एक लिटिगेटर नहीं रही है शी कांट बी मतलब ये उसको होना चाहिए आप पहले से कैसे कह सकते हैं देन उसको एक अपॉर्चुनिटी दें उसको एक्सरसाइज करने दें देन सी दैट्स ट्रू नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि थोड़ा सा उसके लिए जो है ना फीमेल्स के लिए ये होना चाहिए और रिलैक्सेशन दे रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज ओपन होनी चाहिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती हमारे लिए बहुत सी ऑब्स्टिकल्स होती हैं हर चीज़ को रोकने की कोशिश की जाती है हमारे लिए कोई स्मूथ नहीं होता पैसेज नहीं है जहाँ पे हम जो है वो अपने अगर हम चाहें भी तो हम नहीं कर पाते तो इसके लिए हम खुद क्या कर सकते हैं अभी हमारा भी है कि हमारे भी कुछ मतलब यहाँ पे हम इनिशिएटिव तो लेते हैं लेकिन हमारी जो है ना वो देखिए कोई ऐसा हर जगह नहीं है एक तो एज बार्ड का नहीं है और दूसरे हमें कोटा जो मेल्स के जो है वो परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है उसमें अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाना भी चाहते हैं इससे फॉर दी इलेक्शन ऑफ द बार काउंसिल या किसी भी उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लीड करना चाहते हैं तो वो कुड नॉट फाइंड द अपॉर्चुनिटी अगर हम अपॉर्चुनिटी ले भी लें तो कोई हमारी उतनी होती नहीं है कि हमें वो इवन कि आपको फीमेल्स की तरफ से भी उतनी सपोर्ट नहीं मिलती मैं ये चाहती हूँ कि हमें अपनी फीमेल्स को तो एटलीस्ट इतना इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे आए लीड करें और उनके लिए स्पेशल कोटा भी होना चाहिए कि ये डेफिनेटली तीन मेंबर्स होंगी ठीक है ना जस्ट लाइक जुडिशरी में भी वो होना चाहिए कि जी ये दो मेंबर्स जो है वो डेफिनेटली फीमेल्स जो है वो होना चाहिए ठीक है तो ये अगर इतना नहीं होगा तो फिर हमें तो कोई भी आगे आने नहीं देगा मेल तो कभी भी नहीं चाहेंगे और फीमेल्स भी फिर वो उनकी सपोर्ट में अगर चले जाती हैं बहुत से वोटिंग तो हमें तो वैसे ही नहीं मिलती बिल्कुल नहीं आई गेट द स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा इसमें होना चाहिए कि हमें वो डेफिनेटली वो एक जो एक होता है ना कि बार रेस हो जानी चाहिए कि जी इतने मेंबर जो हैं वो फीमेल होंगे और इतने मेल होंगे
नहीं, ये बड़ी रेलेवेंट बात है और बिल्कुल हमें इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। इसी हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो वेमेन इन लॉ इनिशिएटिव है उसको आप कहीं ना कहीं देखती हैं कि इन रिफॉर्म्स की तरफ रोल प्ले करते हुए या बिल्कुल कोई काम कोई कॉन्ट्रीब्यूशन रही है? नहीं, वो तो वुमेन इन लॉ जो है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं उनके साथ हूँ और मैंने उन्हें देखा है कि वो कितनी स्ट्रगल करती हैं, वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करती हैं कि जो भी है हमारी एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या इसके रोल के लिए। अब जैसे पीछे अभी वो जो हो रहा था जो मैटरनिटी जो है वो उसके लिए काम किया गया है और वो अभी तक वो पास होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि हर लेवल पे मैंने उन्हें देखा कि वो स्ट्रगलिंग they keep on struggling for the empowerment of women. Thank you so much. Thank you. I think that's the struggle is part it's of a group. It's a group it's a, work. Yeah. And isme aap log ke support hi hai jiski wajah se bhi ye struggle chal rahi hai, lekin aapne initiative liya aur ye 4 saal ho gaye hain iski humne celebration bhi ki hai aur main aapko is pe bahut mubarakbad dungi ki bahut kamyabi ke sath humne ye 4 saal complete kiye hain और आपकी मेहनत जो है वो वाकई रंग ला रही है। सबकी अगेन वही बात है, सबकी सबकी मेहनत रंग ला रही है और कहीं ना कहीं हमें जो है एक्नॉलेजमेंट मिलनी शुरू हुई है। एग्जैक्टली, एंड आई होप मोर पीपल जॉइन अस एंड सपोर्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली। आपका जाने से पहले लास्ट आप क्या मैसेज देंगी अपनी यंगर सेल्फ को, अगर आपकी जगह आज कोई आपके पास आए, अगर आप नहीं बुखारी साहब की जगह हो आपके पास कोई छोट आए गाइडेंस के लिए, आपका क्या मैसेज होगा? उन्होंने मैं तो उन्हीं के अल्फाज दोहराऊंगी जो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके लिए जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ़ एक आपके अपने ही उसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत होती है, बाकी तो आसमान और दुनिया बहुत बड़ी है, खुला है आपके लिए, आप आए उसको कॉन्कर करते जाएं, जीतते जाएं, दुनिया जो है वो आपके आगे एक आसमान की तरह खुली है, आए जीते विन करें। What an absolutely wonderful thought, नाज़रीन। Ms.Tahira, thank you so much वक्त निकालने के लिए। Thank you. और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे इज्जत दी। एंड इसी के साथ ही हम अपने इस एपिसोड के इख्तिताम को पहुंचते हैं। वाइज़ा रफीक और मुझे निदा उस्मान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।